हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं जो स्कूल शिक्षा विभाग के जो नियम हैं, जिस नियम का पालन करते हुए सहायक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, वर्ग दो के सभी शिक्षक और वर्ग एक के सभी शिक्षक, चाहे हिंदी माध्यम के हो चाहे अंग्रेजी माध्यम के सभी शिक्षक का भी जो 2019 में जिसका एग्जामिनेशन हुआ है, और इस राजपत्र के जो नियम लिखे हुए हैं, जो वहाँ पर दर्शाए गए हैं, उनको पालन करते हुए समस्त भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करना है। ओके, तो इसमें क्या क्या समस्याएं आपको आने वाली हैं और किस तरह के समस्याओं को सामना आप करेंगे, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम बात करेंगे। लेकिन मुद्दा शुरू करने से पहले आपका थोड़ा नियमों के बारे में थोड़ा सा बता चुका हूँ, बता देता हूँ, ताकि आपको आप भी किसी तरह के जानकारी के अभाव में न रहें। वैसे भर्ती नियम जब प्रकाशित हुआ उस समय भी मैं यह वीडियो बना चुका हूँ इसके बारे में, लेकिन अभी भी बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी यह सस्पेंस बना हुआ है कि वेरिफिकेशन किस टाइप का होगा, मेरा काउंसलिंग किस टाइप का होगा, नियोक्ता कौन है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो ये राजपत्र प्रकाशित हो चुका है। देखिए, नियुक्ति प्राधिकारी मतलब जो नियुक्ति करता है उसका यहाँ पर डिटेल दिया गया है, सभी का हम एक एक डिटेल देखेंगे। देखिए, ये लास्ट में लिखा हुआ है, ये नियुक्ति प्राधिकारी मतलब जो नियुक्ता होता है उसको कहा जाता है। ओके, ठीक है। तो हम अभी सिर्फ यहाँ बहुत सारे पद दिए गए हैं, उसका नियुक्ति के बारे में दिया गया है, वेतन मैट्रिक्स लेवल भी दिया गया है और वर्गीकरण दिया गया है, ठीक है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, कौन से श्रेणी के पद हैं। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में हम शिक्षक के बारे में बात करेंगे, शिक्षक मतलब वर्ग 2, 3, 1, ठीक है। और तो चलिए हम ये देखिए, ठीक है, जो सहायक शिक्षक होता है चाहे वो अंग्रेजी माध्यम का हो चाहे हिंदी माध्यम का हो, उसका नियोक्ता जिला शिक्षा अधिकारी होता है। ओके, और जो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला है उसका भी नियोक्ता जिला शिक्षा अधिकारी होता है, प्रधान पाठक का भी जिला शिक्षा अधिकारी ही होता है। शिक्षक वर्ग 2 जो कि तृतीय श्रेणी का पद है, और ये भी जो वर्ग 3 को जितने भी पद हैं ये भी तृतीय श्रेणी के पद हैं, ठीक है, तृतीय श्रेणी पद है, इसका वेतन मैट्रिक्स 8 है, ठीक है। और इसका जो नियोक्ता है वो संयुक्त संचालक होता है, ठीक है, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा कि संयुक्त संचालक कहाँ बैठता है, कौन अधिकारी होता है। संगीत शिक्षक ये भी संयुक्त संचालक ही इनका भर्ती नियुक्ता है, तबला शिक्षक का भी संयुक्त संचालक, कृषि शिक्षा का भी संयुक्त संचालक। ओके, इसी तरह से हम देखेंगे अभी जो व्याख्याता का है उसका संचालक है और ये द्वितीय श्रेणी पोस्ट है। ओके, इसके नियुक्ता संचालक है। अब ये इनके जो अध्यक्ष कौन होंगे तो यहाँ नीचे में दिया गया है, ठीक है, ये कैसे कैसे भरा जाएगा उसका ये नियम कानून है। ओके, यहाँ नीचे में दिया गया, मैं थोड़ा स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ इधर। ओके, ये देखिए, ये अनुसूची 3, नियम 8 देखिए लिखा हुआ है। तो जो सहायक शिक्षक है, ठीक है, उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, अधिकतम 35 वर्ष है, लेकिन अभी इसमें आरक्षण में थोड़ा संशोधन किया गया है, तो इसलिए आपके संपूर्ण जो छूट है उसको मिलाकर आप 45 वर्ष तक छूट ले सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग, इसके जो सहायक शिक्षक के जो चयन समिति के जो सदस्य हैं उनका यहाँ, क्योंकि इसका नियोक्ता तो जिला शिक्षा अधिकारी है इसलिए इसके अध्यक्ष होंगे, बाकी जो सदस्य हैं यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, ये इनके चयन समिति में ये सदस्य रहने वाले हैं, प्राचार्य डाइट सदस्य, विकासखंड शिक्षा अधिकारी सदस्य, सहायक संचालक, समकक्ष सदस्य सचिव, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सदस्य, ये इतने सदस्य होंगे और इन्हीं के ही मतलब वेरिफिकेशन के बाद आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। उसी तरह सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का भी यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ चयन समिति के सदस्यों के नाम है, ठीक है, तो यही लोग बैठेंगे जो बोर्ड में जहाँ सेलेक्ट करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ भी जिला शिक्षा अधिकारी ही इसके अध्यक्ष हैं। शिक्षक देखिए, यहाँ शिक्षक इसका न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष, वही तो आरक्षण नियम लागू होगा इसमें। और इसके जो नियोक्ता हैं संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय अध्यक्ष, देखिए ये संभागीय कार्यालय के अध्यक्ष होते हैं, ठीक, संभागीय मतलब संभाग, जैसे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है, जैसे हम दुर्ग संभाग की बात कर लें तो उसमें जो एक संयुक्त संचालक बैठते हैं वही इसके अध्यक्ष होंगे। चूंकि वर्ग 2 संभागीय स्तरीय पद ही निकाला गया है इसलिए इनका जो नियुक्ता करते हैं संभागाध्यक्ष हैं, और वेरिफिकेशन नियुक्ति प्रक्रिया भी यहीं से होना है, ठीक है। और जिला शिक्षा अधिकारी इनके सदस्य हो सकते हैं, होंगे, अधिक
प्रचार या डाइट सदस्य उप संचालक संभागीय कार्यालय, तो इस तरह से। इसी तरह ग्रंथपाल का दिया गया है, और भी है जहाँ पर चीज़ें दे, व्याख्याता देख सकते हैं, व्याख्याता के पद विषयवार है, सहायक लोक शिक्षण संचालक लोक शिक्षण द्वारा विहित समिति, ठीक है, तो ये इनके हैं। और भी हम बात करेंगे यहाँ पर कृषि शिक्षक का भी वही संभागीय कार्यालय अध्यक्ष होंगे संयुक्त संचालक, तबला शिक्षक का संयुक्त संचालक, संगीत शिक्षक का संयुक्त संचालक, ठीक है, तो ये चीज़ें दी गई है। ओके, और भी बहुत सारे इसमें दिए गए हैं रूल्स रेगुलेशन, फिलहाल हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो ये तो हो गए नियमों की बात कि कौन इसको नियुक्त करेगा, वेरिफिकेशन कहाँ होगा, ठीक है, ये मैं आपको बता दिया हूँ। ओके, अब बात करते हैं अगर इस तरह की चीज़ें हुई वास्तव में। अब देखिए बहुत सारे अभी रिजल्ट आ चुका है।